Hello students, in last lecture we discussed about the qualities of an entrepreneur which are related to the physical and mental abilities, and in this lecture we will discuss about the social and moral qualities, है ना? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फिजिकली और मेंटली एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और अब हम ये देखेंगे कि सोशल और मॉरल क्वालिटीज, इट मीन्स वी नो कि एंटरप्रेन्योर इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, है ना? ही हैज टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, ही हैज टू डू द वर्क फॉर द सोसाइटी, ही हैज टू प्रोड्यूस सम न्यू कमोडिटीज फॉर द सोसाइटी, एंड फॉर दैट ही हैज टू थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो, है ना? कि वॉट एवर ही इज गोइंग टू मेक द न्यू कमोडिटी और द न्यू थिंग्स, इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द एनवायरमेंट. मतलब कोई भी उसको ऐसी चीज नहीं बनानी है, उसको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो सोसाइटी के लिए या एनवायरमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल, है ना? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल एंड मॉरल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ओके, सो द नंबर वन इज सोशिएबल. सोशिएबल मतलब सामाजिक होना, है ना? एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ सोशिएबल क्वालिटी, मतलब उसमें एक सामाजिकता होनी चाहिए, उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, समाज के साथ अच्छा होना चाहिए. लाइक एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोशल so that he may interact with all person, है ना? मतलब he should be interact with all person. देखिए, he has to interact with the society, like we can say the customers, the competitors, we can say debtors, creditors, bankers, financial, the persons who are related to the financial institutions और द गवर्नमेंट, है ना? मतलब इन सबके साथ में उसको इंटरेक्ट करना जरूरी होता है. एबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विथ ऑल द पर्सन, सबके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, ये क्वालिटी उसमें होना बहुत जरूरी है. हु कम इन कॉन्टेक्ट विथ हिम फॉर डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशन विथ दैम, है ना? इट मीन्स द पर्सन हु आर कमिंग टू द एंटरप्रेन्योर टू डेवलप द रिलेशन विथ दैम, है ना? कि जैसे एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू डेवलप द रिलेशन विद द अदर्स, है ना, फॉर डूइंग द वर्क. मतलब मैं जब तक दूसरों के साथ में एक अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं करूंगी, तब तक मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती. दिस विल फैसिलिटीज डेवलपिंग देयर फेथ इन हिम, है ना? इट मीन्स वी कैन से बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन वी कैन ग्रो द फेथ इन दैम. मतलब जब तक मैं किसी से बात नहीं करती हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं उनका विश्वास नहीं जीत सकती और ना ही मैं उनको अपने प्रति विश्वास दिला सकती हूँ, है ना? इट मीन्स फॉर ग्रोइंग द फेथ इन दैम और फॉर ग्रोइंग द फेथ इन मी, आई हैव टू डू द इंटरेक्शन विद दैम, है ना? मैं जब तक उनसे बातचीत नहीं करूंगी, ना तो मैं उन पर विश्वास कर पाऊंगी और ना वो मुझ पर विश्वास कर पाएंगे. ओके, देन नंबर सेकेंड इज कोऑपरेटिव, है ना? एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन, मतलब दूसरों के साथ कोऑपरेट करना. बिकॉज फॉर गेटिंग वर्क डन आई नीड कोऑपरेशन ऑफ माई एम्प्लॉयज. एज अ एंटरप्रेन्योर इफ आई वॉन्ट टू गेटिंग वर्क डन, आई नीड अ कोऑपरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज, फ्रॉम द आउटसाइडर्स ऑल्सो. जब तक मैं सबके साथ में कोऑपरेशन करके नहीं चलूंगी, मैं अपने काम को फुलफिल नहीं कर सकती. An entrepreneur should be cooperative. He should be ready to provide cooperation to all section of the society. Like owners, it means there are different types of we can say sections in the society. Like owners, है ना? As an entrepreneur, मुझे दूसरे जो owners हैं, उनके साथ में भी एक अच्छा cooperative nature रखना है. Debtors, employees, suppliers, customers and other entrepreneur etc. मतलब मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर इन सबके साथ में बहुत ही अच्छा एक कॉपरेशन वाला जो है माहौल बना के रखना है. आई हैव टू डेवलप एंड द एनवायरमेंट ऑफ कॉपरेशन. मतलब मैं जब तक सबके साथ कॉपरेशन नहीं करूंगी, मुझे भी कोई कॉपरेट नहीं करेगा. ओके, बिसाइड्स ही शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी फॉर रिकन्सिलिएशन, adjustment and adaptation, and should feel no hesitation in accepting his errors and mistake at the appropriate time, है ना? मतलब मुझे सबके साथ cooperate करके चलना है. I should have a ability of accepting my mistakes. देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है. अगर कभी जीवन में गलती हो जाती है, तो उस गलती को मानने की ability भी हमें होनी चाहिए. वो कहते हैं ना कि गलती मानने से उसका
बोझ क्या होता है या उसका जो पाप हम कह सकते हैं वो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो अगला हमें वैसे ही क्या करता है, माफ कर देता है ना, और उस गलती का जो बोझ, एक बर्डन जो हम लेके चलते हैं, वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, सो फॉर रिकंसिलिएशन और फॉर द एडजस्टमेंट वी शुड हैव अ नेचर ऑफ कोऑपरेशन। जब तक हम दूसरों के साथ कोऑपरेटिव नेचर से नहीं रहते हैं, हम कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ओके, सो वी शुड नॉट फील अ हेजिटेशन टू एक्सेप्ट अवर मिस्टेक। मतलब हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार करने में हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, देन नंबर थ्री, पोलाइटनेस है ना, वी शुड बी पोलाइट विथ अदर्स। हम जब तक दूसरों के साथ पोलाइट नहीं है, इफ वी डोंट हैविंग अ सॉफ्ट नेचर, तो हम कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी पोलाइट इन हिज बिहेवियर, इट मीन्स हिज बिहेवियर शुड बी पोलाइट। इट डज नॉट मीन दैट ही शुड नॉट कीप हिज सेल्फ रिस्पेक्ट इन व्यू। इट मीन्स विद द पोलाइटनेस वी हैव टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के सामने अगर हम इतना पोलाइट हो जाएं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कर दें, खो दें। हमें पोलाइट रहना है, लेकिन जहां पर हमें रूड होना है वहां पर हमें रूड भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि आप इतने पोलाइट हो जाए कि अगला जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करना ही क्या करें, छोड़ दें, है ना। इट मीन्स यू शुड बी पोलाइट बट यू हैव टू कीप इन माइंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी अवेयर रहना है। सो ही शुड बिहेव विथ पोलाइटनेस, कर्टसी, मतलब आपको कर्टीनेस रखना है, कर्टसीनेस रखना है, अफेक्शन रखना है, कॉर्डियलिटी रखनी है, सिंपथी रखनी है टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति सिंपथी रखनी है। बट इतना भी आपको पोलाइट नहीं होना है कोई कोई भी इजिली आपके साथ फ्लर्ट कर सके। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब, देखिए एक आपको प्रोवर्ब दिया गया जिसको हम कहावत कहते हैं, पोलाइटनेस कॉस्ट नथिंग बट पेज मोर, है ना। मतलब पोलाइटनेस के लिए हमें कुछ भी मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं है ना। इफ यू आर पोलाइट इन नेचर इट डजंट कॉस्ट, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है बट पेज मोर, लेकिन हमें उसके लिए चुकाना बहुत पड़ता है। मतलब हम कहते हैं कि पोलाइटनेस की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसी दे रही हूँ, जैसे आपकी आप दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जो है वो आपको अगर कुछ भी रूडली बोलती है तो आप पोलाइट रहते हो, आप उसको कभी भी वापस जवाब नहीं देते हो, लेकिन उसके लिए आप में जो बोलते हैं ना पेशेंस होना बहुत जरूरी है। यह हो सकता है वो चीज आप जवाब नहीं दे रहे हो, यू आर पोलाइट विथ हर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप गुस्से में क्या हो जाते हो, भर जाते हो कि मैंने उसको वापस पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, है ना। सो वी कैन से पोलाइटनेस जो है कॉस्ट नथिंग बट पेज मोर, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी हमें उसकी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, देन नंबर फोर, साउंड कैरेक्टर, एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ साउंड कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के द्वारा फॉलो किया जा सके ना। इट मीन्स इफ यू हैविंग अ साउंड कैरेक्टर अदर्स विल फॉलो यू। आपको दूसरे तभी फॉलो करेंगे जब आपका खुद का कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। एन एंटरप्रेन्योर्स कैरेक्टर शुड बी साउंड बिकॉज इट लीव्स इनडेलिएबल मार्क ऑन द पर्सन्स कमिंग टू हिज कॉन्टेक्ट, है ना। इट मीन्स द पर्सन्स हु आर कमिंग टू हिज कॉन्टेक्ट, इट मीन्स हिज कौन है यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर, द पर्सन्स हु आर कमिंग टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ही विल बी 100% अफेक्टेड बाय हिज बिहेवियर। मतलब उसका जो भी बिहेवियर है, उसका जो भी कैरेक्टर है, उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। By his good work and behavior, it means if the entrepreneur is doing a good work or if the behavior of the entrepreneur is good, it 100% sure that it will impress the other person. वो दूसरे person को easily impress कर सकता है। In this regard, Professor Hawking said, person with good character puts his heart in other person by his eyes. कहते हैं ना कि अगर आपका behavior अच्छा है तो आप अपनी आंखों से उसके दिल में क्या होते हो, उतर जाते हो। वॉइस, आपकी आवाज
एक्सप्रेशंस, आपकी एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस एंड द फैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब आप जो भी फैक्ट स्टेटमेंट्स उसके सामने रखोगे सीधे आप उसके दिल में क्या होगे, उतर जाओगे. इट मीन्स इफ यू हैविंग अ गुड कैरेक्टर, इफ यू हैविंग अ गुड वॉइस, इफ यू हैविंग अ फैक्ट स्टेटमेंट, यू कैन इम्प्रेस द अदर पर्सन वेरी इजिली. ओके, देन नंबर फिफ्थ इज ऑनेस्टी, है ना, जिसको हम बोलते हैं ईमानदार होना. एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ ऑनेस्टी क्वालिटी, मतलब अगर वो खुद ऑनेस्ट है तो वो दूसरों को भी ऑनेस्ट बना सकता है. लाइक एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल, इट मीन्स ही हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द गुड एंटरप्रेन्योर, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हम बोलते हैं कि ऑनेस्ट होना ही एक तरह से एक अच्छी पॉलिसी है. द एडिफिस ऑफ बिजनेस प्रॉस्पेरिटी मे बी रेज्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ मॉरेलिटी अलोन, मतलब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट इज डिपेंड ऑन योर ऑनेस्टी. जो बोलते हैं ना हम, नींव जो होती है आपकी, नींव मतलब क्या होता है, बेस. एक तरह से आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, वो अगर ऑनेस्टी है तो यू विल बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. आप जब तक आपकी बेस को, आपकी फाउंडेशन को अगर आपने ऑनेस्टली अगर नहीं बनाया है तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग क्या होगी, कभी भी गिर सकती है ना. हम जो बोलते हैं ना कि फॉर मेकिंग द बिल्डिंग वी हैव टू बिल्ड अप द फाउंडेशन फर्स्ट, हम बिल्डिंग बनाने के पहले क्या करते हैं, नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, और अगर वो फाउंडेशन कच्ची रह गई है, मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग भी क्या होगी, कभी भी गिर सकती है, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती. सो वी कैन से ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आप जब भी एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हो और अगर आपका फाउंडेशन ऑनेस्ट नहीं है तो यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ओके, डिसऑनेस्टी एंड डिसीविंग, डिसीविंग मतलब फसाना, मे प्रूव प्रॉफिटेबल ओनली वंस. हम बोलते हैं ना कि हम धोखा देकर, किसी अगले को धोखा देकर हम एक बार उसका फायदा उठा सकते हैं, या हम एक किसी को भी धोखा देकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बार होगा. अगली बार उसको पता चल जाएगा कि यू आर डिसीविंग, आप उसको फंसा रहे हो, तो वो आगे कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा. बट दे आर नॉट एवर लास्टिंग. वो बोलते हैं ना कि धोखा एक बार दिया जा सकता है, धोखा देकर एक बार प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं. ओके, सो अल्टीमेटली देन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू एक्ट विथ ऑनेस्टी, उसको बहुत ऑनेस्टली एक्ट करना है. देन नंबर सिक्स इज लॉयल, है ना, मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म हो. एन एंटरप्रेन्योर शुड परफॉर्म एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज करता है विथ लॉयल्टी. लॉयल्टी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ईमानदारी, है ना. वैसे ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी बोथ आर सिनोनियम हम कह सकते हैं, बट ऑनेस्टी शुड बी विथ अस, है ना, मतलब ऑनेस्टी किसके साथ होती है, खुद के साथ, और लॉयल होते हैं हम दूसरों के साथ, है, देयर इज अ डिफरेंस. ऑनेस्टी का मतलब होता है खुद के साथ ऑनेस्ट होना, खुद ईमानदार होना, और लॉयल का मतलब होता है, लॉयल्टी जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है दूसरों के साथ ईमानदार होना, है ना. जैसे द फीलिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप मतलब काम ही पूजा है, जिसको हम बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है. हमारा काम जो होता है वो हमारे लिए एक तरह से पूजा होता है. अगर हम उसको पूजा समझ के करते हैं तो वी विल नॉट डिसीव एनीवन, हम किसी को भी फंसा नहीं सकते. जैसे हम भगवान के सामने जब भी पूजा करते हैं, है ना, तो हम एक पवित्र मन के साथ करते हैं. हम हमारे अंदर एक लॉयल्टी होती है कि हम किसी को धोखा नहीं दें, हम अपने ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे होते हैं. हम बिल्कुल लॉयल होकर हम उसकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं. तो हम जब काम करते हैं तो भी हमें उसे पूजा समझकर करनी है, जिसमें हम किसी और को डिसीव ना करें, हम किसी को फंसाए नहीं. ओके, वर्क कल्चर शुड बी सुटेबली डेवलप्ड इन ईच एंटरप्राइज, है ना. अगर आप अपने काम को पूजा समझ कर करोगे तो आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा. इट मीन्स यू कैन डेवलप योर एंटरप्राइज. ओके, देन नंबर सेवन इज रिस्पेक्टफुली, इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स, उसको दूसरों का आदर करना है, सम्मान करना है. An entrepreneur should always have feeling of respect, meaning thereby that he should behave respectfully to all. उसको सबके साथ respectfully behave करना है. In this regard, it has been correctly stated that those who respectfully behave with others in one sense respect themselves.
मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हुए काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक तरह से काम को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम अगर दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें भी क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। ओके, द नंबर 8 पेशेंस। उसको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इट इज अ क्वालिटी दैट अलाउज एंटरप्रेन्योर नॉट टू जंप टू कंक्लूजन एंड टेक हेस्टी डिसीजंस, है ना। इट मीन्स इफ एंटरप्रेन्योर डजंट हैव पेशेंस, ही कैन नॉट टेक अ गुड डिसीजन एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देखिए, बहुत बार ही होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं वेयर वी हैव टू कीप द पेशेंस। हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वी डोंट हैव टू जंप इन टू द कंक्लूजन। वो बोलते हैं ना कि आधी अधूरी बात सुनकर हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना होता है। इट मीन्स वी हैव टू कीप सम पेशेंस। इट मीन्स वी हैव टू हियर ईच एंड एवरी थिंग्स। वी हैव टू थिंक अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। किसी भी डिसीजन मेकिंग के पहले हमें हर तरह से सोचना होता है। इट मीन्स वी हैव टू कीप द पेशेंस। हमें शांति से हर चीज को सोचना होता है, समझना होता है, सुनना होता है, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू मेक द डिसीजन। इफ आई एम टेकिंग डिसीजन फास्टली, और वी कैन से इफ आई एम टेकिंग डिसीजन विदाउट हियरिंग और विदाउट थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, इफ आई एम जंपिंग इन टू द कंक्लूजन, इट मे बी हार्मफुल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। मतलब एक तरह से क्या होता है, हार्मफुल होता है। कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें हर चीज के बारे में अच्छे से सोचना और समझना है। देन नंबर 9 मॉरल फेल्योर, है ना। मतलब जिसको बोलते हैं ना मॉरलिटी होना, अपने अंदर एक मॉरल होना बहुत जरूरी है। मॉरल फेल्योर कभी नहीं होना चाहिए। दिस फॉर्म ऑफ फेल्योर इज अ वायोलेशन ऑफ इंटरनल ट्रस्ट, है ना। मतलब अगर हमारा मॉरल फेल्योर हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट को क्या करते हैं, फेल कर रहे हैं। मतलब हम एक तरह से विश्वास को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। Says the firm is based on mutual expectation and trust. It means if we are running the firm, it is totally depend on the mutual trust, है ना। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी ट्रस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, so we should have trust on the others and others should have trust on us. जब तक एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को हम नहीं समझते हैं, जब तक हम एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, वी कैन नॉट रन अवर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। ओके, दिस वायोलेशन इज अ सीरियस फेल्यूर दैन कैन रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। इट मीन्स इफ देर इज अ, वी कैन से इफ देर इज अ मॉरल फेल्यू, इट बिकम्स द रिजल्ट लाइक अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए, जब तक मॉरल अच्छा, मतलब मॉरल सही तरीके से हम मॉरली हर काम को नहीं कर रहे हैं, इफ देर इज अ मॉरल फेल्यूअर, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कहीं ना कहीं गलत चीजें क्या होती है, वहां पर बढ़ने लगती हैं, गलत चीजें होने लगती है। तो मॉरल शुड बी देयर, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, सब में मॉरलिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, देन नंबर 10 इज ह्यूमैनिटी, मानवता जिसको हम कहते हैं। वी शुड बी ह्यूमन फॉर अदर्स। हमें अगर दूसरों के प्रति ह्यूमैनिटी नहीं है तो हम एक तरह से क्या है, अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। एन एंटरप्रेन्योर शुड ह्यूमन अप्रोच टुवर्ड्स डिफरेंट एम्प्लॉयज। एज अ एंटरप्रेन्योर मेरे में एक ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स माय एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स माय सबऑर्डिनेट्स। He should behave love and affection. It means he should be behave with love and affection with their subordinates, with their employees, and also human behavior. है ना, should have a human behavior. उसको एक human behavior रखना है दूसरों के प्रति। Human behavior का मतलब होता है दूसरों के प्रति emotions रखना। He should be think about the problems. He should be think about the we can say problems and जो भी उनकी doubts हैं उनके प्रति हमें human behavior रखना है और उनको remove करने की कोशिश करनी है। Okay, so these are the abilities of entrepreneur related to the social and moral qualities. And the next, it means the third one is professional or business qualities, है ना। मतलब as an entrepreneur उसमें professional और business qualities क्या क्या होनी चाहिए। Like number 1, business aptitude, है ना। He should have a business aptitude. Entrepreneur के पास एक business aptitude होना चाहिए for run the business. Here business aptitude implies completing the business activities with natural interest. It means he should have a natural interest in his working. मतलब जब तक उसको काम में
मतलब खुद के काम में जब तक उसको नेचुरल इंटरेस्ट नहीं होगा. नेचुरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, है ना. नेचुरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, सेल्फ इंटरेस्ट होना. मतलब एक तो ये होता है कि आप किसी को धक्के मार के काम करवा रहे हो, है ना. इट इज नॉट अ नेचुरल इंटरेस्ट, इट इज अ आर्टिफिशियल इंटरेस्ट वी कैन से. मतलब आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हो. और नेचुरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब अगला इंसान खुद की इच्छा से काम करे. डेडिकेशन एंड डिवोशन, डेडिकेशन और डिवोशन होना उसमें बहुत जरूरी है. Without business aptitude, an entrepreneur will neither be able to operate the business activities successfully. जब तक उसमें attitude नहीं है, जब तक उसमें aptitude नहीं है towards the business, मतलब है ना, we can say the business aptitude नहीं है उसमें business को लेकर, अपने business को लेकर, तब तक वो कोई भी activities को successfully नहीं कर सकता है. And nor he will be able to nicely undertake innovative activities, है ना. It means neither he can take सक्सेसफुल एक्टिविटीज इन द बिजनेस नॉर ही कैन अंडरटेक इनोवेटिव एक्टिविटीज. मतलब वो जो भी इनोवेशन होना चाहिए बिजनेस में, जो भी इनोवेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो भी उसको, मतलब विदाउट बिजनेस एटीट्यूड वो कोई भी इनोवेटिव एक्टिविटीज अच्छे से नहीं कर सकता. ओके. देन नंबर टू, लीडरशिप क्वालिटी. ही शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी. एज अ एंटरप्रेन्योर आई हैव टू लीड, मुझे लीड करना है. आई हैव टू गेट दैट वर्क डन विद द फॉलोअर्स, विद द सबऑर्डिनेट्स, विद द एम्प्लॉयज, है ना. इट मीन्स फॉर गेटिंग वर्क डन ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द एंटरप्राइज, आई हैव टू मेक सम लीडरशिप क्वालिटी, आई हैव टू हैविंग सम लीडरशिप क्वालिटी. जब तक एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ही कैन नॉट लीड. वो अपने फॉलोअर्स को लीड नहीं कर सकता. एंड एंटरप्रेन्योर इज नोन एज द कैप्टन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, है ना. मतलब एंटरप्रेन्योर एक तरह से क्या होता है, कैप्टन होता है बिजनेस का. जिस तरह से एक कैप्टन जो होता है, जो शिप को क्या करता है, चलाता है, या एक जो कैप्टन होता है वो अपनी अपनी टीम को लीड करता है, एक कैप्टन जो होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है. तो विदाउट लीडरशिप क्वालिटी ही कैन नॉट लीड हिज फॉलोअर्स. वो अपने फॉलोअर्स को, अपने एम्प्लॉयज को लीड नहीं कर सकता. So that he is required to give orders. As a leader, he has to give the orders or we can say the information to his followers. Seek cooperation. He has to seek cooperation. मतलब उसको अपने employees से क्या करना है, cooperation लेना है. Motivate to subordinates and exercise control. It means he has to keep the control in his organization, and without leadership, he cannot control all over the organization so that goals may be achieved. It means for achieving the goal, he has to control the employees, he has to control the subordinates, and he can do this work only because of the leadership quality. जब तक उसमें ये qualities नहीं होगी, वो उनको lead नहीं कर सकता या अपने organization का जो भी गोल है उसको अचीव नहीं कर सकता. देन नंबर थर्ड, लीगल नॉलेज. ही शुड हैव अ लीगल नॉलेज. एज अ एंटरप्रेन्योर ही शुड हैव अ लीगल नॉलेज अबाउट द बिजनेस लॉज, है ना. मतलब बिजनेस के लॉज क्या हैं, या लीगली किस चीज को उसको फॉलो करना है फॉर रनिंग द बिजनेस. लाइक एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव सफिशियंट नॉलेज ऑफ वेरियस बिजनेस लॉज. उसको जो भी बिजनेस लॉज है उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. लाइक इकोनॉमिक लॉज, लेबर लॉज, फेमा, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सेल्स टैक्स, इंडस्ट्रियल एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एक्सेट्रा. इट मीन्स इन केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, हाउ वी कैन रिमूव इट, हाउ वी कैन टेक ओवर दैट दोज डिस्प्यूट्स विथ द हेल्प ऑफ बिजनेस लॉज. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सो दैट दिस मे बी करेक्टली कंप्लाइड विथ, है ना. मतलब ही हैज टू कंप्लाइड विथ द बिजनेस लॉज. को उसकी अनुपालना करनी है. कंप्लाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉलो करना या उसको उसकी अनुपालना करना. मतलब उसको फॉलो करना, उसको मतलब हम कह सकते हैं अनुपालना हिंदी वर्ड है. मतलब किस तरह से उस लॉज को हमें क्या करना है, अपने इसमें, अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके. देन नंबर फोर, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. एज अ एंटरप्रेन्योर उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी चेक करना होता है. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज एसेंशियल इन बिजनेस. ही हैज टू मेंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. सो दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ,
उसको अकाउंटिंग के जो भी जनरल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. ही हैज टू नो अबाउट द अकाउंटिंग मेथड्स एंड अकाउंटिंग बुक्स एक्सेट्रा. तो मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ही शुड हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट दिस. ओके, देन नंबर 5 बिजनेस एबिलिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. उसको उसमें बिजनेस एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए. लाइक टुडेज एज इज द एज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड स्पेशलाइजेशन, है ना. एज वी नो एवरी पर्सन शुड बी परफेक्ट, एवरी पर्सन शुड बी स्पेशलाइज्ड इन हिज वर्क. मतलब वो जो भी वर्क कर रहा है उसमें उसको स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी है. सो एक्सपीरियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर ओनली इज नॉट सफिशियंट. मतलब खाली एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज आपके पास है इट इज नॉट सफिशियंट. विद दैट ही शुड बी एजुकेटेड. उसको एजुकेटेड होना है, ट्रेंड होना है, प्रोफेशनल होना है, नॉलेजेबल होना है. इट मीन्स ही हैज नॉलेजेबल अबाउट हिज वर्क. ही विल बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज. इट मीन्स इफ ही इज नॉलेजेबल अबाउट हिज वर्क, इफ ही हैज स्पेशलाइज इन हिज वर्क, ही कैन गिव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज. देन नंबर 6 knowledge of market condition. He should have a knowledge of market condition, what is going in the market, which type of changes are exist in the market, which are the technical changes are exist in the market, कौन कौन सी changes हो रहे हैं, चाहे वो technological हो, चाहे वो demand हो, customer की demand हो, चाहे कोई भी तरह का new product बन रहा है, और we can say the competitors in the market, कि हमारे कौन से competitors हैं और हमें किस तरह से उस competition को face करना है. okay, the success of the entrepreneur mainly depends upon carrying out production. So it is essential that the entrepreneur have sufficient knowledge about the market demands of the consumer. Maine aapko bataya jaise what are the demands of the consumer, fashion test and ups and downs of the prices, and it means which type of changes are coming in the prices of the product, hai na. Yeah, if there is increasing or decreasing in the prices of the product, तो इस सारी टाइप की जो भी चेंजेस हैं, सारे टाइप्स के जो चेंजेस हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होना जरूरी है एज अ एंटरप्रेन्योर. देन नंबर 7 गुड रेपुटेशन. इट मीन्स ही शुड मेंटेन हिज गुड रेपुटेशन इन द मार्केट. उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होना बहुत जरूरी है. इट इज अ वैल्यूएबल असेट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स विच नॉट ओनली बेनिफिट्स हिम. मतलब इफ ही हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट इज इट नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर हिम एज वेल एज बट ऑल्सो हिज जनरेशन इन द फ्यूचर, है ना. मतलब आने वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या होता है, फ्रूटफुल होता है. फॉर बिल्डिंग अप रेपुटेशन क्वालिटीज लाइक, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर बिल्डिंग अप द रेपुटेशन इन द मार्केट. ऑनेस्टी होनी चाहिए उसमें, हार्ड वर्किंग, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस टू द कस्टमर आर इसेंशियल. इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज टू माई कस्टमर, इट ऑलवेज इंक्रीज माई रेपुटेशन इन द मार्केट. इट ऑलवेज इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट. देन लास्ट वन इज नंबर 8 टेक्निकल नॉलेज. यू शुड हैव अ टेक्निकल नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, लाइक बेसिक नॉलेज अबाउट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, एंड लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स. ही शुड बी अवेयर अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू चेंज द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज इन टू प्रॉफिट इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन. इट मीन्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट और इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट वी शुड बी अपडेट अवर नॉलेज, है ना. फॉर फेसिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट आई हैव टू डेवलप माई ईच एंड एवरी वी कैन से द नॉलेज अबाउट द मार्केट और आई हैव टू इंक्रीज माई टेक्निकल नॉलेज फॉर फेस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. Or I can use the new opportunity only by using the new technology. मतलब मैं जितनी नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगी उतनी ही मुझे मार्केट में नई से नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी. So we finished this chapter, chapter 11 entrepreneurship. You have to write all the question answers of this chapter. And if you want to make the notes, you can do it. I will check your notes and question answer also. So we finished out now, and in next lecture we will start our new chapter. Okay, thank you.